तो यार आजकल मास सिनेमा का क्रेज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है राइट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर कोई पैन इंडिया लेवल पे अपनी एक्शन पैक लार्जर देन लाइफ मूवी रिलीज करना चाहता है। बॉलीवुड के ओरिजिनल फादर ऑफ मास सलमान खान ने भी इस ट्रेंड को काफी सीरियसली ले लिया है। अब आप लोग पूछेंगे कि इसका क्या सबूत है, तो उनकी अपकमिंग मूवीज का सॉलिड लाइनअप। सिकंदर जो 2024 में रिलीज होने वाली हैज बीन मेकिंग द मैक्सिमम हेडलाइन इवन दो इट्स नॉट आउट येट। हां ये अभी तक रिलीज नहीं की गई और भाइयों इसी को हम लोग हाइप का बाप कहते हैं। लेकिन फिर स्टोरी में एंट्री होती है उसकी, जिसने 4 साल बाद शाहरुख खान का ऐसा कमबैक करवाया कि बॉक्स ऑफिस घुटनों पे आ गया। यस एटली। और अब एटली सलमान के साथ अपने कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म कर रहे हैं। द स्केल ऑफ द बजट कास्ट एंड प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी इंटरनेशनल लेवल। हाँ उससे कम की एक्सपेक्ट भी नहीं करते। इनफैक्ट एटली की नेक्स्ट फिल्म बेबी रॉन जो 2024 के एंड में रिलीज होगी उसमें भी सलमान खान का एक कैमियो होगा, दैट विल ब्लो एवरीवन्स माइंड। और अंदर की खबर ये है कि एटली अपना एक यूनिवर्स बना रहे हैं जिसमें सलमान खान, वरुण धवन, कमल हसन और शाहरुख खान ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। लेकिन क्या आपको लगा कि सलमान खान यहीं पे रुक जाएंगे? भाई बात हो रही है फादर ऑफ मास, तो कमबैक भी ऐसा होना चाहिए जो हिस्ट्री में लिखा जाए। और ये कमबैक है डेविल का। जी हाँ कि 2 आ रही है। अभी तक हम सिर्फ दिमाग में ही इसको सोच रहे थे लेकिन अब ये ड्रीम सच हो चुका है। अर्ली मॉर्निंग में किक 2 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया था विद अ फन एंड इंटरेस्टिंग कैप्शन स्ट्रेट फ्रॉम द सेट्स ऑफ सिकंदर। हाँ सिकंदर के सेट से ही हमको ये अनाउंसमेंट मिला, लेकिन प्रोड्यूसर साजिद नदियतवाला का कैप्शन था सलमान बिहाइंड साजिद, डेविल बिहाइंड सलमान। ये बात क्लियर कर दी गई है कि सिकंदर और किक 2 दो अलग अलग मूवीज हैं एंड किक 2 का स्केल सिकंदर से 10 गुना ज्यादा बड़ा होगा। अब असली सवाल ये है कि किक 2 में क्या होने वाला है। सबसे पहली कन्फर्म बात, कास्ट में काफी चेंजेस होने वाले हैं, सिर्फ सलमान भाई को रिपीट किया जाएगा। और खास बात, ये फिल्म पैन इंडिया अपील के साथ आएगी। सिकंदर के फॉर्मूले को फॉलो करते हुए इसमें सलमान, रश्मिका, काजल और इवन कटप्पा तक इंक्लूडेड है। किक 2 को भी हर कॉर्नर ऑफ इंडिया से कनेक्ट करने का प्लान है। रिमर ये भी है कि सलमान के अपोजिट सैम समंथा को कास्ट किया जा सका क्योंकि वो ऑलरेडी वरुण धवन के साथ डिटेडल के इंडियन वर्जन में काम कर रही हैं और वरुण तो सलमान भाई के फेवरेट भी हैं। दूसरी बात, किक 2 सलमान के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म होगी। अगर सिकंदर का बजट 300 करोड़ है तो किक 2 का बजट इजिली 400 करोड़ क्रॉस कर सकता है। और हाँ एक थोड़ी क्रेजी थ्योरी ये भी है कि सिकंदर और किक का समहाउ कनेक्शन हो सकता है। इमेजिन करो अगर सिकंदर में यंग से ओल्ड सलमान का टाइम जंप दिखाकर डेविल का सीक्रेट रिवील कर दिया, तो अगर ऐसा होता है तो सिकंदर का हाइप तो स्काई हो जाएगा और किक 2 को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि किक इतनी सक्सेसफुल तब हुई थी बिकॉज ऑफ द विलेन रणदीप हुडा, जिनका परफॉर्मेंस फिल्म में 4 चांद लगा गया था। और मास सिनेमा तभी काम करता है जब हीरो के सामने एक जबरदस्त विलेन हो जिसे देखकर ऑडियंस को हीरो के हारने से डर लगे। किक 2 का बजट बड़ा है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ मैसिव विलन। क्या पता साउथ से कोई बिग नेम कास्ट हो जाए। वैसे अगर एक से ज्यादा विलन्स होते तो और मजा आता। इमेजिन करो टाइगर श्रॉफ इन अ नेगेटिव रोल जैसे वॉर में था। मे बी टाइगर विल मेक अ कमबैक इन किक 2 अलोंग साइड सलमान भाई। फिलहाल बेस्ट न्यूज यही है कि किक 2 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्दी आ सकता है, लेकिन उससे पहले सिकंदर का ऑफिशियल प्रोमो रिलीज होगा प्रोबेबली दिवाली 2024 पे। हाँ किक 2 की अनाउंसमेंट के बाद बस एक ही फिल्म का इंतजार है, बजरंगी भाईजान 2। क्या पता कल एक और फोटो आ जाए और सलमान के हेटर सच में हिल जाएं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो या फिर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन अगर इस वीडियो से मिल ली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग कभी भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। भाई कर दो, एक ही तो लाइक है यार, एक सब्सक्राइब है, कर दो। अरे भाई के नाते कर दो यार। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पूरा वीडियो देख के कहां जा रहा है, सब्सक्राइब कर।